हेलो डियर स्टूडेंट्स दिस इज़ योर यूनिट सेकेंड डू यू डो यू थिंक बर्ड्स फाइंड फनी पीपल फनी क्या आप सोचते हैं कि पक्षियों को लोग कैसे लगते हैं फ़नी लगते हैं लेट्स लिसन टू वर्ड द रॉबिन एंड द जय हैव टू से कि चलिए सुनते हैं कि क्या रॉबिन और जय कह रहे हैं रॉबिन हुआ रॉबिन एंड जय रॉबिन एंड जय आर द टू बर्ड्स ओके रॉबिन और जय जो हैं हमारे टू बर्ड्स हैं दे आर टॉकिंग टू ईच अदर ओके सो लेट्स लिसन सो आवर यूनिट टू इज बर्ड टॉक यानि पक्षी की बातें ओके डियर स्टूडेंट आवर पोएम इज थिंक्ट द रॉबिन थिंक्स एड द जय थिंक्स एड द रॉबिन थिंक्स एड द जय सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डी थिंक सेट द रॉबिन रॉबिन दिस ब्लू बर्ड इज रॉबिन दिस ब्लू बर्ड इज रॉबिन एंड दिस रेड ब्राउन टाइप ऑफ वर्ड इज जय ओके स्टूडेंट्स सो रॉबिन इज सईंग रॉबिन क्योंकि ब्लू कलर का होता है स्टूडेंट इसलिए हमने इसे रॉबिन कहा है ठीक है रॉबिन ब्लू कलर्स के लिए कहते हैं रॉबिन ब्लू ओके सो थिंक सेट द रॉबिन रॉबिन कह रहा है सेठ द रॉबिन रॉबिन ने कहा क्या कहा थिंक सोचो थिंक सेठ द जय अब जय ने भी कहा सोचो क्या सोचो सिटिंग इन द गार्डन सिटिंग इन द गार्डन की गार्डन में बैठे हुए सिटिंग बैठे हुए टॉकिंग वन डे टॉकिंग वन डे बातें कर रहे थे वन डे एक दिन कि रॉबिन और जय गार्डन में बैठे हुए एक दिन बातें कर रहे थे रॉबिन ने कहा थिंक और जय ने भी कहा थिंक कि सोचो सोचो क्या सोचना है नेक्स्ट इज थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो दे डोंट हैव फीदर्स एट ऑल यू नो थिंक अबाउट पीपल कि सोचो लोगों के बारे में द वे दे ग्रो कि द वे जिस तरह ठीक है दे ग्रो दे ग्रो मीन्स बढ़ना कि किस तरह वो बढ़ते हैं दे डोंट हैव फिदर्स उनके पास पंख नहीं होते हैं एट ऑल कि उनके पास तो बिल्कुल भी पंख नहीं होते हैं यू नो तुम जानते हो कि थिंक अबाउट पीपल कि लोगों के बारे में सोचो द वे दे ग्रो कि जिस तरह से वो बढ़ते हैं दे डोंट हैिदर्स एट ऑल यू नो कि तुमको पता होगा कि उनके पास फिदर्स नहीं होते हैं ओके नेक्स्ट पैराइज दे डोंट ईट बीटल्स दे डोंट ग्रो विंग्स

ठीक है हम लोगों के लिए पक्षी हम लोगों के बारे में बात कर रहे हैं दे डोंट ईट बीटल्स कि वो तो बीटल्स बिल्कुल भी नहीं खाते यानी कि जो बीटल्स होते हैं तिन होते हैं जो छोट छोटे छोटे ठीक है दे डोंट ग्रो विंग्स कि वो तो विंग्स को भी ग्रो नहीं करते हैं यानी कि उनके पास तो बड़े बड़े पंख भी नहीं होते हैं दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स कि दे डोंट लाइक सिटिंग उनको पसंद नहीं है दे डोंट लाइक उन्हें पसंद नहीं है क्या बैठना ऑन वायर्स एंड थिंग्स ना वायर्स में ना थिंक्स में ठीक है नेक्स्ट इज अवर थिंक्स एट द रॉबिन थिंक्स एट द जे आर नॉट पीपल फनी टू बी दैट वे थिंक्स की सोचो रॉबिन कह रहे हैं कि सोचो थिंक्स एट द जे जय भी कह रहे हैं कि सोचो आर आर नॉट पीपल फनी कि पीपल टू बी दैट वे तो क्या पीपल क्या फनी नहीं है फनी मीन्स मज़ेदार ठीक है कि इस तरीके से इस तरीके से जिस तरीके से पीपल होते हैं कि उनके पास ना फिदर्स होते हैं ना उनके पास विंग्स होते हैं वो बीटल्स नहीं खाते हैं वायर्स में नहीं बैठते हैं वायर्स मीन्स जो तारें होती हैं जैसे हमारे देखा होगा आपने जो बिजली की तारें होती है हमारे आस पास उनमें पक्षी बैठे रहते हैं ठीक है तो ना वो वायर्स में बैठते हैं तो, तो रॉबिन और जेव उस बात को सोच रहे हैं कि पीपल कैसे होते हैं पीपल क्या कि okay, रॉबिन और जय के uh, के अकॉर्डिंग पीपल्स कैसे होते हैं फ़नी होते हैं और उनका जो ग्रोइंग करने का तरीका होता है वो और ज़्यादा भी फ़नी होता है आर नॉट पीपल फनी टू बी डैट वे कि उस तरह से रहने का जो तरीका है जो डैट वे वो तरीका जो है वे वो जो तरीका है वे लोगों के रहने का दैट इज़ वेरी फनी वो काफ़ी मज़ेदार है सो स्टूडेंट्स दिस इज़ योर पोएम ऑफ यूनिट सेकेंड You have to write it in your notebook and learn it also. Okay, this is a very interesting, funny poem. Okay, dearest friends.